प्रचोदयात्। भगवान कहते हैं भैया क्या चाहिए फिर, तो मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भगवत भक्ति अहित की तुई, अहित की अकारण की जाने वाला प्रेम, कोई कारण नहीं होना चाहिए प्रेम के पीछे अकारण। हे जगदीश, मेरी तो ऐसी कोई कामना नहीं है कि मुझे कोई धन चाहिए या कोई ऊंचे कुलों में जन्म चाहिए या कोई प्रसिद्धि चाहिए तीनों लोकों में, ना ना धनम ना कोई विश्व सुंदरी चाहिए ना। हे जगदीश, मेरी तो ऐसी कोई कामना नहीं है। भगवान कहते हैं फिर क्या कामना है मेरे भक्त, मुझे तो बदलाओ। तो चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भगवत भक्ति रहत की तुई। हे भगवान, मुझे तो जहां भी जन्म मिले, जैसे भी घर में जन्म मिले, ऊंचे नीचे लोकों में कहीं भी, तो जन्म जन्म आपकी भक्ति मुझे देना, जन्म जन्म आपकी सेवा मुझे देना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो आपकी सेवा में मैंने आनंद पाया है वो कहीं नहीं है, तीनों लोकों में नहीं है। मुझे चाकर राखो जी, प्रभु जी मुझे। मीराबाई को ये रस आने लगा था, उन्होंने कितना सुंदर भजन गाया है, बनाया है, मुझे चाकर राखो जी। अरे मीरा चाकर रह के क्या करेगी, चाकर रहशा बाग लगाशा नितुठ दर्शन पाशा, वृंदावन की कुंज गलिन में गोविंद गोविंद गाशा। माने चाकर राखो जी प्रभु जी, माने चाकर राखो जी। हे गोविंद, तेरी चाकरी में जो आनंद आता है कहीं नहीं है। बाग लगाऊंगी, तुलसी फूलों की बाग लगाऊंगी, उनको सींचूंगी, वृंदावन की गलियों में गोविंद गोविंद तेरे गुणगान करूंगी। मुझे चाकर राखिए, आपके चरणों की सेवा दीजिए भगवान। ये ही एकमात्र अभिलाषा शुद्ध भक्त के हृदय में बाकी रहती है, तभी उसको भगवान की उपलब्धि होती है, परम धाम की उपलब्धि होती है। भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है। भगवान ने अपने मुख से अलग अलग जगह पर इशारा किया है हम अज्ञानी पुरुषों को, तो समझना चाहिए इस बात को। आठवें अध्याय का अंतिम श्लोक है 28। भगवान कहते हैं कि वेदेशु तपे वेदेशु यज्ञेशु तपेशु चैव दानेशु यत् पूर्ण फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। यहां पर जो भक्त भक्ति योगी ध्यान योगी भक्ति योग ध्यान योग कर्म योग, तीन प्रकार के योग हैं जो गीता में विशेष करके वर्णन हुए हैं। इन तीनों प्रकार के योगों से मुक्ति तो मिल जाती है, लेकिन भक्ति से एकमात्र भगवान की प्राप्ति होती है, और दूसरी प्रकार की मुक्तियों से ब्रह्म ज्योति प्राप्त होती है, निराकार की प्राप्त होती है। अगर ये आपने व्यक्तिगत भगवान का भजन नहीं किया है, प्रेम नहीं किया है उनसे, तो मोक्ष मिल जाती है सिद्धि प्राप्त होने पर, लेकिन भगवान की उपरम भगवान की गोविंद की प्राप्ति तो तभी है। परमेश्वर की प्राप्ति, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति तो तभी होगी जब आपने भगवान से प्रेम किया होगा, अन्यथा नहीं। जिनके जिन पर सत्य साने हु ज्योतिम सोतिमी मिला ही ना कछु संदेहु।
प्रेम आपका जहां पर पवित्र प्रेम है, निष्काम प्रेम है, अहेतुकी, जिसमें कोई कारण नहीं, हेतु नहीं, अहेतु। चैतन्य महाप्रभु तो यही कह रहे हैं कि मुझे भगवान आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए, जिस भक्ति में कोई कारण ही नहीं हो। इसका आनंद तो बड़ा ऊंचा है, जिसका कोई कारण ही नहीं है और भक्त मगन होकर नाच रहा है, गा रहा है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है, आनंद मग्न है, फूलों के बाग लगा रहा है, फूल तोड़ के ला रहा है, चढ़ा रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, किसी कारण से नहीं, एकमात्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इस भक्ति से भगवान की उपलब्धि है, निष्काम भक्ति, अहेतु की भक्ति, मम जन्मनी जन्मनी भगवत भक्ति अहेतु की। तो अप्रारब्ध फलम पापम कुतम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मनाम। भगवान विष्णु की, जब हम विष्णु भगवान कहते हैं तो विष्णु में और कृष्ण में भेद तो नहीं जानना चाहिए। आपको मैं कई बार बोल चुका हूं इस बात को कि तीन प्रकार के विष्णु हैं जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार पुरुषावतारों में आते हैं। महाविष्णु, जिनके रोम कूपों से, जिनकी सांसों से कारण दक्षाई कारण समुद्र में, कारणोदक समुद्र में, कौजल वाटर में, जिनकी ब्रीदिंग से, जिनकी सांस लेने से बबल्स उठते हैं जल के अंदर, वो बबल्स ही ये अनंत ब्रह्मांड है। और अनंत ब्रह्मांडों में बबल्स की तरह ही ब्रह्मा बसे हुए हैं, बबल्स की तरह, जैसे अटलांटिक महासागर में बबल्स उठ रहे हों, अनंत असंख्य ऐसे ब्रह्मांड है उनकी सृष्टि में, भौतिक रचना में। और उन ब्रह्मांडों में इतने ही ब्रह्मा है और इतने शिव हैं और इतने विष्णु हैं। इक्षिरोदक्षाय विष्णु है, गर्भोदक्षाय विष्णु है, महाविष्णु है। यशैक यशैक निश्वासिता कालम अभावलंभ्या जीवन्ति रोमाविला जा जगदानंद नाथ। विष्णुर महान यह यश कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम। विष्णुर महान स इह यश कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमाम वसामी। ये चक्षुर एस सविता सकल ग्रहणम राजा समस्त सुरम मूर्तिर अशेष तेज। यश आज्ञा भ्रमति समृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। जिनकी आज्ञा से काल चक्र घूमता है। काल चक्र क्या? समय चक्र। समय का पहिया घूमे रे भैया, लाख तरह इंसान चले, कभी लिए सामान चले तो कभी लिए बारात चले, कभी लिए सामान चले तो कभी बिना सामान चले। काल का पहिया, तो ये काल का पहिया को घुमाने वाले भगवान है, ये तमाम यूनिवर्स को घुमाने वाले भगवान श्री कृष्ण है। उनकी आज्ञा से ये संभृत नौकर की तरह, जैसे एक नौकर अपनी बॉस के सामने उसकी आज्ञा से नाचता है, ठीक वैसे ही ये समस्त काल चक्र भगवान श्री कृष्ण की
भ्रगुटी के इशारे से नाचता है। तो ये पुरुषावतार तीनों प्रकार के ब्रह्मा विष्णु महेश और तीन प्रकार के विष्णु और ब्रह्मा विष्णु महेश भी, ये सब पुरुषावतार और भगवान के अंश अवतार हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु पुरुषावतारों में आते हैं, विशेष करके लीला अवतार हैं, जैसे 24 अवतारों का वर्णन भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी कर रहे हैं। पुरुषावतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदलते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन 4,20,00,000,000 वर्ष के आयु का होता है, एक दिन ब्रह्मा जी का। भागवत में इसका उल्लेख प्रभुपाद जी महाराज करते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु 311,400,000,000,000 वर्ष है। तो भगवान की सही सही कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी भक्ति करनी चाहिए। बिना उनकी कृपा के, बिना उनकी भक्ति के भगवान को नहीं जाना जा सकता। भगवान ने ये दोहराया है बार बार, भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। बिना भगवान की भक्ति के, बिना उनका भक्त बने, बिना उनकी सेवा किए भगवान श्री कृष्ण को कोई नहीं जान सका, नहीं जान सकेगा। ये भगवान के शब्द हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः, कोई व्यक्ति भक्ति से ही मुझे तत्व से जान सकता है कि मैं कौन हूं। ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, जो मुझे तत्व से जान लेता है वो तो मेरे धाम का वासी बन जाता है। ही एंटर्स इनटू माय अबोड, सुप्रीम अबोड, गोलोक वृंदावन धाम। एज ए पर्सन ही इज नॉट गोइंग टू मर्ज इन ब्रह्म ज्योति, नेवर नेवर। जो जाई के भावता सोता ही के पास, वेदेशु वेदेशु यज्ञेशु तपेशु चयो। वेदेशु यज्ञेशु तपेशु चैव दानेशु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम् अत्यति तत् सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम् उपैति चाद्यम्। तो ये भक्त के सामने, भक्त इस बात को जान जाता है कि वेदों के अध्ययन अध्यापन से और यज्ञों के करने से और तप दान इत्यादि के करने से जो पूर्ण फल मिलता है, वो भक्त को वो सारा पूर्ण फल भक्ति में स्वतः ही मिल जाता है, सारा फल। अत्यति तत् सर्वम इदं विदित्वा योगी स्थान योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। ये भक्ति योगी की बात हो रही है। भगवान श्री कृष्ण भक्त के लिए बोल रहे हैं कि वो पूर्ण फल तो मिल ही जाता है, लेकिन उससे श्रेष्ठ फल जो परम पद की प्राप्ति यानी मेरे धाम की प्राप्ति, उस मेरी प्राप्ति उस भक्त को हो जाती है। योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम, परम स्थान तो भगवान का परम धाम है। तद धामम परमम ममा ना तद भास्यते सूर्यो ना शशांको ना पावकः यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परम मम। हे अर्जुन, मेरा वो धाम है जहां पर ये सूर्य चंद्र अग्नि इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। इटर्निटी में भगवान का धाम इटर्नल है, वहां पर इनकी आवश्यकता नहीं है। परम धाम में क्या जरूरत है, कोई सूर्य उदय होगा तभी उजाला होगा, या सूर्य अस्त होगा तभी अंधेरा होगा। वहां तो भगवान की अचिंत लीलाएं चलती हैं, अचिंत उजाले अचिंत अंधेरे, भगवान के जो है छवियां बदलती हैं उस धाम की, अचिंत जो हम मन बुद्धि से परे
जिनका चिंतन नहीं कर सकते। ना तद भाष्यते सूर्यो ना शशा, कैसे कहे भगवान आपको? जिस वस्तु को आपने कभी जाना नहीं उसको किस तरह जनाए? इतना भी समझ लो मोटे मोटे अक्षरों में कि भगवान के धाम में सूर्य चंद्र और अग्नि की आवश्यकता नहीं है तो भी बहुत बड़ी बात है। अभी सभी बात भगवान बतला देंगे जो उनके धाम की महिमा है या वैकुंठ धामों की महिमा है। कैसे बतला सकते हैं? कैसे अंधे को इस सुंदरता का वर्णन जो सृष्टि में बिखरी हुई है कैसे करें? कर भी दे तो अंधा समझेगा क्या? अंधा क्या समझेगी हरा रंग क्या होता है, लाल रंग क्या होता है? लेकिन इतना तो जानता है कि सूर्य तेज होता है तो धूप आती है, अग्नि जलाती है, चंद्रमा शीतलता देता है। तो मोटे मोटे अक्षरों में भगवान ने बतला दिया, ना तद भाष्यति सूर्यो ना शशांको ना पावका, यद गत्वा ना निवर्तन्ते, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो पुनर्जन्म के वापिस भौतिक संसार में वापिस नहीं आता। जन्म मरण जरा व्याधि से सदा सदा मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमं मम, वो मेरा धाम है जहां से वापस नहीं आता लौट के, वो भगवान का धाम है। तो कोई कहेगी ब्रह्म ज्योति भगवान है? नहीं, भगवान या कृष्ण भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वो तो मेरा धाम है। तो फिर परम धाम भगवान का गोलोक वृंदावन तो ब्रह्म ज्योति से भी श्रेष्ठ है। वो तो ब्रह्म ज्योति में वैकुंठ जगत है, वैकुंठ धाम है अनंत, और उनमें परम धाम भगवान का पा उस नारायण का है, परमेश्वर का है, गोविंद का है, कृष्ण कन्हैया का है। तो उनको तत्व से जानने के लिए तो उनकी भक्ति करनी पड़ेगी, और कोई तो मार्ग नहीं है। किसी को जानना है बहुत नजदीक से तो उसका प्रेमी तो बनना पड़ेगा, वरना कैसे भेद खुलेगा, कैसे आप जान पाओगे? तत्व से यावनश चाश्मी तत्वतः ततो माम तत्व तो ज्ञाता विश्वते तदनंतरम, जो मुझे तत्व से जान लेता है वो तो सदैव के लिए मेरे धाम का वासी बन जाता है। तो अर्थ गलत न निकालें, बहुत से फिलोसोफर और साइंटिस्ट और बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स और एकमात्र निराकार में ही आसक्त रहने वाले भागवत गीता का अर्थ का अनर्थ न निकालें, ये मेरी प्रार्थना है। भगवान ने अनेकों जगह इस बात को कहा है और ये जगह जगह स्पष्ट हुआ है कि भगवान साकार स्वरूप से परम अवस्था में है। भगवान ने कहा कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाम अमृतश्च व्ययश्च शाश्वतश्च धर्मश्च सुखश्च एकांतिकश्च, वो ब्रह्म ज्योति का आधार भी मैं हूं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। फिर उनकी बात को मानने में आप लोगों को अड़चन क्या है? अड़चन है तो आप भगवान से, भगवान के परम रूप से दूर हैं, सदैव के लिए दूर हैं, आपको ही लॉस है। वेदेशु यज्ञेशु तपेशु चैव दानेशु यत् पूर्ण फलम प्रदिष्टम अत्येति तत् सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम, परम स्थान भगवान का धाम है, उससे ऊपर कोई स्थान नहीं है, इसलिए परम स्थान बोला है। इस प्रकार से आठवां अध्याय भागवत गीता का संपूर्ण हुआ है। जय गोपाल। आइए गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय
राधारमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय गोविंद गोपाल की जय। आइए प्रिय सज्जनों श्रीमद् भागवत गीता का नवम अध्याय बहुत श्रेष्ठ और भगवान का प्रेम अपने हृदय में उदय करने वाला है। इसे बहुत ही सिंसियरिटी से समझना और सुनना चाहिए पढ़ना चाहिए। श्रद्धा ही सबसे श्रेष्ठ है। श्रद्धा बिना भगवान के शास्त्र में भगवान के शब्दों में भगवान के भक्तों में आदमी को रुचि नहीं पैदा होती और कोई उसका लाभ नहीं प्राप्त होता। श्रद्धा ही परम लाभ हम श्रद्धा से परम लाभ की उपलब्धि है। श्रद्धा से स्वयं भगवान की उपलब्धि है। श्रद्धा फेत आइए प्रणाम कीजिए भगवान को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर् भवति नष्ट की। गोविंद दयावान है दया के सागर है करुणावान है करुणा के सागर है। उनकी करुणा बरस रही है श्रीमद् भागवत के माध्यम से तमाम त्रिलोकी में तमाम जीवों के लिए। जो इस कृपा के पात्र हैं जो लालायित हैं इसको पाने के भगवान की कृपा को वो भागवत सत्संग में आते हैं गीता भागवत के सत्संग में रुचि लेते हैं सुनते हैं समझते हैं और भगवान के कहे अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं और वो परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं भगवान को प्राप्त होते हैं उनको जीवन का परम लाभ मिलता है। नवम अध्याय के पहला श्लोक को कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर वाणी जिनके भी कानों में जाती है वो प्राणी धन्य हो जाता है। तो इस लाभ को लेने से नहीं चूकिए। नवम अध्याय श्रीमद् भागवत गीता का सर्वश्रेष्ठ अध्याय है जिसमें भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से ऐसी बातें कही हैं कि आप लोगों के हृदय में भगवान का भक्ति भगवान का प्रेम जागृत हो उठेगा।
Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan bole, Idam tu te guetamam pravakshamya anasuyave jnanam vijnana sahitam yajgyatva mokshase ashubhat. Idam tu te guhetamam pravakshamya anasuyave. Hey Arjun, tu mera ati priya bhakt hai, priya sakha hai, meri priya atma hai, isliye main tujhe ab guhetam, guhetamam, yani rashpurn vastu ke vishay mein varnan karunga. अभी तक आपने आठ अध्यायों में जो भी भगवान से सुना वो उत्तम अति उत्तम ज्ञान सुना. अभी गुहेतम रहस्य में सीक्रेसीज अब भगवान इस अध्याय में कुछ रहस्य में वार्तालाप अर्जुन से करेंगे. उस रहस्य को आप भी जानने की कोशिश कीजिए. इदम तु ते गुहेतमम प्रवक्षाम्य अनसूयवे यज्ञात्वा प्रवक्षाम्य क्षमा करना. इदं तु ते गुहेतमं प्रवक्षाम्य अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभाव. भगवान कहते हैं कि ऐसे रहस्य में ज्ञान को जान करके हे अर्जुन, जिसे मैं तुझे जिस ज्ञान को विज्ञान के सहित कहूंगा, ज्ञान ज्ञान होता है, विज्ञान विज्ञान होता है. ज्ञान होता है आपने जान लिया कि अग्नि में हाथ डालने से हाथ जल जाता है, आपको ज्ञान हो गया, आप कभी जिंदगी भर अग्नि में हाथ नहीं डालेंगे. लेकिन अभी विज्ञान क्या है, ये अनुभव है, रियलाइजेशन, ये अभी नहीं किया, नहीं जाना. जब इसको भी कभी जान जाओगे तब कहेंगे कि भैया हम जान गए, अग्नि में हाथ जलता भी है, ये ज्ञान है, हमने पढ़ा है किताबों में, सुना है लोगों से, और हमारा एक दिन गलती से हाथ चला गया, वास्तव में जल गया, हम जान भी गए, अनुभव भी हो गया. तो भगवान कहते हैं इस रहस्यमय ज्ञान को मैं तुझे ज्ञान को रहस्यमय ज्ञान को अनुभव सहित कहूंगा, जो मेरा अनुभव भी है. ये नहीं भाई ज्ञान ही ज्ञान दे रहा हूं थोप रहा हूं अर्जुन, ना, अनुभव जो कर चुका हूं उस अनुभव के अनुसार ये मैं कहूंगा, ये मेरा अनुभव है, ये मेरा रियलाइजेशन है. ज्ञान को रियलाइजेशन के साथ, अनुभव के साथ मैं कहूंगा. यज ज्ञात्वा मोक्ष से ऐशुभात, जिसे जान करके अशुभ अशुभ से मुक्ति हो जाएगी. अशुभ कोई नहीं चाहता. समय का अभाव है, अगले सत्संग में इसका वर्णन करूंगा. जय गोपाल.